बात बाजार की करें तो आज काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला और बाजार ऊपरी स्तर पर नहीं टिक पाया। हालांकि कारोबारी खत्म होने पर निफ्टी 10,700 के पार बंद होने में कामयाब रहा। छोटे मझौले शेयरों में भी दबाव देखने को मिला। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 8 अंक और निफ्टी 2 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। बैंक, रियल्टी और सरकारी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी रही। आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों के शेयरों पर थोड़ा दबाव दिखा। मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन का कहना है कि कर्नाटक चुनाव बाजार के लिए अहम ट्रिगर है। उनके मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी सरकार अगर बनती है तो बाजार में गिरावट की आशंका नहीं है। नियर टर्म जो इलेक्शन है वो थोड़े से महत्वपूर्ण रहेंगे, उनके नतीजे अगर वहाँ पर मिली जुली सरकार भी आती है लेकिन बीजेपी के पक्ष में, तो मेरा मानना है कि बाजार यहाँ से गिर नहीं सकता। अगर ऑन द अदर हैंड अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो शायद थोड़ी सी नरमी और बढ़ जाए, क्योंकि वो मार्केट को उतना शायद पसंद नहीं आएगा। बाकी रिजल्ट्स अभी तक जैसे हैं उसमें हालांकि कोई खास नेगेटिविटी नहीं है। ये उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में, इस तिमाही में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और उसके हिसाब से ही आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है जिससे लगे कि पूरी तरह से रुख जो है अगले साल के लिए और बेहतर हो गया है। ठीक है, रजत मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। रजत, बहुत उतार चढ़ाव एक सीमित दायरे में देखने को मिला बाजार में। आज जो तेज हुआ वो था बैंकिंग, और वो सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक के चलते। देखिए, सेंसेक्स अंत में बिल्कुल फ्लैट था, निफ्टी 10,700 के लेवल को होल्ड कर गया किसी न किसी तरह। निफ्टी बैंक की रफ्तार बहुत तेज है, आज भी 238 पॉइंट की तेजी, और आईसीआईसीआई बैंक नतीजों के बाद 7% का दमदार मूव, क्लोजिंग बेसिस पे 309 के लेवल दिखाई दिए। आज अट्रैक्शन था सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक में, निफ्टी का स्टार परफॉर्मर था। इसके अलावा एचपीसीएल, आयशर मोटर्स और बीपीसीएल इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, लेकिन जो गिरे उसमें प्रॉफिट बुकिंग थी। आज एमएनएम में ये लगातार चढ़ता स्टॉक है, आज टूट गया। एलएनटी, इंफोसिस और बजाज फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जहां पर आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बैंकिंग ही बैंकिंग था पूरी मार्केट पे, आज लीड कर रहा था आईसीआईसी। उसके अलावा इंडियन बैंक, आईडीबीआई बैंक और जो साउथ इंडियन बैंक्स हैं वहां पर आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। मिसाल के तौर पर साउथ इंडियन बैंक खुद 3% के आसपास तेज होता हुआ नजर आया। नतीजों का असर जो देखने को मिला उसमें गोदरेज कंज्यूमर्स नतीजों के बाद 2% तेज, एबी कैपिटल यहां पर नतीजे बेहतर थे 1.5% की चाल ये देखने को मिली। जुबिलेंट फूड्स के नतीजे ठीक थे लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी थी स्टॉक में। कजारिया सिरामिक्स बिल्कुल फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया। सरकारी कंपनी आज फोकस में थी जिसमें बीईएमएल, जीएनएफसी, एचपीसीएल और एसटीसी जैसे स्टॉक्स में तेजी बनती हुई नजर आई। मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी प्ले हुआ मार्केट पे, एनआईटी टेक चल पड़ा। दिन के अंत में यहां पर वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग थे, सोनाटा सॉफ्टवेयर, जेंटेक और केपी आईटी टेक जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। और कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज गिरावट देखने को मिली उसमें पीएनबी हाउसिंग, क्योंकि कार्लाइल ने अपना हिस्सेदारी बेची उसका असर था। ब्लॉक ट्रेड्स हुए शुरुआती सत्र में ही, 8% नीचे स्टॉक। पीसी ज्वेलर, ट्राइडेंट और टाटा कॉफी जैसे स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला, लेकिन तेजी बनी ग्रुप फाइनेंस में, आज स्टार परफॉर्मर था ये। आईनक्स लेजर, कॉनकॉर और एसआरएफ जैसे स्टॉक्स में आज मूव पॉजिटिव था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, चौथी तिमाही में जुबिलेंट फूड के बेहतर नतीजे देखने को मिले। कंपनी का मुनाफा बढ़कर 68 करोड़ हो गया जबकि अनुमान 50 करोड़ का था। कंपनी की आय की अगर बात करें तो 613 करोड़ से बढ़कर ये 780 करोड़ हो गया। वहीं एबिटा मार्जिन 9.8% से बढ़कर 16.4% हो गया। कंपनी ने एक शेयर पर एक बोनस शेयर का ऐलान किया। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 26.5% रही जबकि अनुमान 20% का था। और गोदरेज कंज्यूमर के जो मार्च तिमाही के नतीजे हैं वो अनुमान से कमजोर रहे। जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा 58% बढ़कर 617 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी की आय में भी 1.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गोदरेज कंज्यूमर के एबिटा की बात करें तो इस तिमाही में कंपनी का एबिटा 541 करोड़ रुपए से बढ़कर 597 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी के एबिटा मार्जिन में भी इजाफा देखने को मिला है। और अब बात आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों की। मुनाफा गिरने के बावजूद नतीजों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इंट्राडे में आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 8% से ज्यादा उछल गया। पिछले 3 महीने में कंपनी का शेयर 13% टूट चुका है। कल आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी तिमाही नतीजे जारी किए थे। मुनाफा अनुमान से कम रहा था लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने अगले 2 सालों के लिए जो गाइडलाइंस दी इसी ने शेयर को सपोर्ट दिया। बैंक का ग्रॉस एनपीए भी अनुमान से कम रहा जो तेजी का एक और फैक्टर बना। आईसीआईसीआई बैंक पे पहले भी हमारा बुलिश व्यू है बाय का, और अभी भी पोस्ट रिजल्ट भी हमने बाय मेंटेन रखा है। हालांकि अभी जो उनके ग्रॉस एनपीए जो है 42,000 करोड़ से लेकर अभी 54,000 करोड़ पे पहुंचे हैं, बट एनआईएम्स जो है बहुत स्टेबल है और कंपनी ने और आईसीआईसीआई बैंक ने जो अपने कॉन्कॉल में भी कहा है
कि लोन बुक ग्रो 15% की एवज में देख रहे हैं अगले साल FY19 में भी, तो वहां पे जो है प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहेगी। और प्राइस टू बुक के अगर हम लोग रेशियो में देखें FY19 और 20 के बेसिस पे तो भी काफी अट्रैक्टिव लेवल पे है। और अब बात बाजार में, शेयर बाजार में ट्रेडिंग का समय बढ़ाने को मंजूरी पर हमारी ये खास कवरेज। जी हां, सेबी ने शेयर बाजार में ट्रेडिंग का समय बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। अब एक्सचेंजेस को तय करना है कि वो क्या फैसला लेते हैं, लेकिन क्या इसके लिए हमारा सिस्टम तैयार है। जी बिजनेस ने इस पर एक पोल किया और इस पोल में बड़े ही चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमें बता रहे हैं कि आखिर पोल में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। डिम्पी, जी बिजनेस ने बीड़ा उठाया, आशय श्री गणेश किया। देखिए, आप समय बढ़ाने को लेकर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय किस चीज का बढ़ाएं ये समझना जरूरी है। हमने जो पोल किया ना, उसमें हमने 3-4 बेसिक सवाल रखे। पहला सवाल, मैं एक एक करके आपके सामने बात रखता हूं और क्यों मुहिम की इंपॉर्टेंस हमको दिखी, क्यों समझ में आया, पहले ये रखे। सबसे पहले बात, जब सेबी का नोटिस आया कि समय को बढ़ाया जाएगा, तो हमने सिर्फ समय बढ़ाना सही कदम है, चौंकाने वाले आंकड़े आए, सबने कहा गलत कदम है। 70% ये कह रहे हैं, यानी कि हर 10 में से 7 आदमी कह रहे हैं गलत कदम है। ठीक है, फिर भी सभी का मामला है, ग्लोबल पार्टिसिपेशन को जोड़ना चाहता है, देश को एक ऐसे पटल पर रखना चाहता है कि जहां पे ग्लोबल इन्वेस्टर पूरा समय लेके आए। तो हमने दूसरा सवाल ये पूछा, क्या हमारा देश, क्या हमारी बैंकिंग, क्या हमारा ब्रोकर, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या तैयार है। दूसरे सवाल से भी हमको निराशा मिली, वो था तैयार नहीं है 80% ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स, निवेशक। अच्छा, एक और चीज, ये जो पोल है सिर्फ ब्रोकर्स का नहीं है बल्कि निवेशकों का भी है। तो निवेशकों से भी हमने पूछा कि आपकी बैंकिंग फैसिलिटी है, आपके मोबाइल पे ऐप है, आपका डीलर आपको फैसिलिटी देता है, तो वो भी नहीं था, वो भी तैयार नहीं है 80%। यहां से हमारा सवाल खड़ा होता है, ये जो दो क्वेश्चन हमने पूछे कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, आप इस हक में नहीं है, तो फिर क्या आप स्टॉक्स फ्यूचर बढ़ाएं, क्या इंडेक्स के फ्यूचर को बढ़ाएं, या दोनों बढ़ा दें। एक्सचेंजेस के लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि वो दोनों बढ़ाना चाहते हैं। जब हमने यही सवाल उनसे पूछा, क्या सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स में बढ़ना चाहिए समय, तो यस, यहां पे हां का आंकड़ा बहुत उत्साहजनक था, 80%। कि अभी हम उस तरह के मार्केट नहीं है, हम उस तरह से तैयार नहीं कि हमारे को स्टॉक्स के वायदा भी मिल जाए, अभी हम सिर्फ इंडेक्स के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहेंगे, इसलिए इंडेक्स के अंदर है। इसलिए हमारी मुहिम है कि आप समय तो बढ़ाएं, लेकिन जिसमें ज्यादातर देश का जन आंदोलन दिख रहा है, ज्यादातर देश के लोग जो बात कर रहे हैं, जनादेश जो है वो सिर्फ यही कहता है कि सिर्फ इंडेक्स का ही फ्यूचर अवेलेबल हो, स्टॉक्स के वादा के अंदर कामकाज ना हो, समय ना बढ़ाया जाए, ये एक बात थी। अब हमने जब पूछा कि क्या दिक्कतें क्या आएंगी, लोगों ने जब दिक्कतें गिनवाना शुरू की, सबसे पहले दिक्कत तो आएगी, दो शिफ्टों में कामकाज करना पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा, ब्रोकिंग हाउसेस का खर्च बढ़ जाएगा, इससे कर्मचारी, न केवल कर्मचारी बल्कि उनका परिवार भी, इसलिए हमने साफ साफ लिखा उनके परिवार भी तनाव में आएगा, जब आप घर ही नहीं जाएंगे तो तनाव में आना स्वाभाविक सी बात है। और दूसरी बात यह है कि बैंकिंग और शुरुआती मार्जिन और सेटलमेंट, इन सब की भी दिक्कतें रहने वाली हैं, तो ये सारे के सारे दिक्कतों के साथ है। तो ये मुहिम तो है, और ये मुहिम इसलिए कि आप समय बढ़ाएं, बट सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स का, स्टॉक्स फ्यूचर्स का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इंडेक्स फ्यूचर्स का समय बढ़ना चाहिए, यही जी बिजनेस की मुहिम भी है। शुक्रिया डिम्पी, इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, 3.5 साल की ऊंचाई से कच्चे तेल में गिरावट हावी हो गई है। ब्रेंट क्रूड $75.5 के नीचे फिसल गया, जबकि WTI क्रूड $70 के नीचे फिसल गया। आज अमेरिका ईरान पर पाबंदी पर अमेरिका फैसला लेगा। पहले पाबंदी पर फैसला 12 मई को होना था। अगर ईरान पर पाबंदी नहीं लगाई जाती है तो क्रूड की कीमतों में गिरावट और बढ़ सकती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय ज्यादा अपडेट के लिए यहां पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, ये तो बात हुई यहां पर इस बात की कि अगर पाबंदी नहीं लगाई जाती है तो कीमतों में गिरावट और ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन अगर पाबंदी लगती है तो फिर क्या सिचुएशन बनती है? हाँ बिल्कुल, काफी अहम सवाल आपने पूछा है अनुया, और ये काफी महत्वपूर्ण है, और इस पर दुनिया भर के बाजारों की नजरें टिकी हुई हैं। रात करीब 11:30 बजे ये फैसला आना है कि क्या अमेरिका ईरान के ऊपर पाबंदी लगाएगा या नहीं लगाएगा। अगर पाबंदी लगाता है तब क्या होगा, ये हम बता रहे हैं। तब ये होगा कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई कम होगी, खास करके जो 4 सहयोगी देश हैं अमेरिका के, उन देशों में ईरान से कच्चे तेल की सप्लाई कम हो सकती है, और एक आकलन के मुताबिक इसमें करीब 3.5 से 5 लाख बैरल तक की कमी आ सकती है। और अगर ये कमी आएगी तो उसके बाद कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे। गोल्डमैन ने यह कहा है कि $7 तक की तेजी कच्चे तेल में आ सकती है इस पाबंदी के बाद। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ईरान एक बड़ा एक्सपोर्टर बनकर 2016 में उभरा था,
और फिलहाल ईरान रोजाना करीब 26 लाख बैरल क्रूड का एक्सपोर्ट करता है, तो ये एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा जिसका इम्पैक्ट आपको प्राइस के ऊपर दिखेगा। इसके अलावा जो बड़े ऑयल प्रोजेक्ट्स हैं उसकी उसको भी झटका लगेगा, और फ्रांस की एक जो डील है ईरान की ऑयल कंपनी के साथ करीब $2 अरब की, वो डील भी अटक सकती है। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट होगा कीमतों के ऊपर, और इसलिए आज दुनिया भर के बाजारों की नजरें अमेरिका पर टिकी हुई है, ट्रंप पर टिकी हुई है कि ट्रंप ईरान के ऊपर क्या फैसला लेता है।